एवरीवन, आई एम राहुल नागपाल एंड वेलकम टू द ई क्लासेस ऑफ सुभाष कॉन्वेंट स्कूल सेवत बड़ी सीकर। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन लैम्डा एम, लैम्डा ईक्यू एंड कप्पा इन डिटेल्स। लैम्डा एम, लैम्डा ईक्यू एंड कप्पा इन डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज लैम्डा एम। लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टेंस, हमने बात कर ली है ना इस पे, ये कौन सी कंडक्टेंस है, ये मोलर कंडक्टेंस है। लैम्डा ईक्यू, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, विच कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड कप्पा, कप्पा क्या है, कप्पा है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये कंसेंट्रेशन के साथ कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, अपन को ये स्टडी करना है, अपन को ये स्टडी करना है। पर इन सभी को स्टडी करने से पहले 11th का एक बेसिक सा टॉपिक है, वो रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वो आपको ध्यान में आता है तो आप इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड वो टॉपिक कौन सा है बेटा, वो टॉपिक है बेटा DOD। कौन सा टॉपिक है बेटा, DOD, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये DOD क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो आपके पास किसी इलेक्ट्रोलाइट के 10 मोल्स हैं, क्या है बेटा, 10 मोल्स हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट जब उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाते हैं वो 10 के 10 मोल टूट गए, 10 के 10 मोल क्या कर गए, टूट गए। यानी कि आपके पास 10 मोल थे, डिसोशिएट सारे के सारे हो गए, 10 के 10 मोल क्या हो गए बेटा, डिसोशिएट हो गए, क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। अल्फा यानी कि DOD क्या होता है, अल्फा यानी कि DOD क्या होता है, आपने कितने इनिशियल मोल लिए, ठीक है, और उसमें से कितने टूट गए, उसमें से कितने टूट गए, ठीक है। तो DOD कितना आ गया, 1 के इक्वल, और परसेंटेज निकालो तो किसके इक्वल आ गई, 100% के इक्वल, किसके इक्वल, 100% के इक्वल। मान लो जो आपका 10 मोल में से एक ही मोल टूटा है, कितना मोल टूटा है, एक ही मोल टूटा है, ठीक है, तो अल्फा क्या आएगा, 1/10, क्या आएगा, 1/10, तो ये क्या आ जाएगा, 0.1%, और परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, 10% आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा। डीओडी से क्या पता लगता है, डीओडी से क्या पता लगता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। डीओडी से क्या पता लगता है बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली टूटते हैं, और उनका अल्फा यानी कि DOD 100% रहता है, क्या रहता है, 100% रहता है, ठीक है। अगर आपका DOD 100% आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ये किसका केस है बेटा, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो DOD आता है वो कितना आता है, 100% आता है। जो DOD है वो कितना आता है, 100% आता है। और जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, किसका केस है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, उस केस में जो आपका DOD है वो कितना आता है, 10% आता है, 10% यानी कि 100 से लेस आता है, कम आता है, क्या आता है बेटा, कम आता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं क्लासिफाई करूं, किसको क्लासिफाई करूं बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाई करता हूं तो मेरे पास दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट आता है, एक आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या रहेगी, ठीक है, डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, अल्फा इज लेस देन वन। परसेंटेज में निकालोगे 90% हो सकता है, 80% हो सकता है, तो अल्फा इज लेस देन वन, तो अल्फा किससे कम आएगा बेटा, 1 से कम आएगा, किससे कम आएगा, 1 से कम आएगा। और परसेंटेज में निकालोगे तो 100% नहीं आएगा, परसेंटेज में निकालोगे तो क्या बेटा, 100% नहीं आएगा। एंड दिस केस अल्फा ये क्या है बेटा, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा,
ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू किसके आएगा बेटा, वन के आएगा, अल्फा नियरली इक्वल टू किसके आएगा, वन के आएगा, यानी कि 100% के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 100% के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने केस उठाना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए मुझे एक टॉपिक स्टडी करना पड़ेगा, और जो अपन ने 11th में भी स्टडी कर रखा है, ठीक है, कि कंसंट्रेशन एंड डीओडी कैसे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन एंड डीओडी कैसे रिलेटेड है। तो टॉपिक मेरा मेन टॉपिक यही है, बट इसमें इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, मुझे कंसंट्रेशन का अफेक्ट पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, किस पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। मान लो मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, सबको पता है ये तो, ठीक है। अब जब टाइम जीरो है, एट टाइम जीरो, उस टाइम तो सिर्फ यही प्रेजेंट होगा, है ना, उस टाइम तो यही प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मान लो उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन थी सी, इसकी क्या थी फिर जीरो, इसकी क्या थी जीरो, ठीक है। अब एट टाइम या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम, C माइनस सी अल्फा, इसका क्या मतलब है, C माइनस सी अल्फा, ये डिसोशिएट करेगा तो कुछ कंसंट्रेशन तो कम होगी ना, लेट अस सपोज इट इज अ सी अल्फा, इट इज अ सी अल्फा, ठीक है, और ये कितना बनेगा C अल्फा, ये भी कितना बनेगा C अल्फा, क्यों, क्योंकि अगर ये एक मोल टूटता है तो इसका भी एक मोल बन रहा है, इसका भी क्या बन रहा है बेटा, एक मोल, ठीक है। अगर ये एक मोल टूटता है, इसका एक मोल बनता है, इसका एक मोल बनता है, अगर ये एन मोल टूटेगा तो इसके भी एन मोल बनेंगे, इसके भी एन मोल बनेंगे, ये सी अल्फा मोल टूट रहा है, कितना मोल टूट रहा है, सी अल्फा मोल टूट रहा है, तो इसका भी क्या बनेगा सी अल्फा, एंड इसका भी क्या बनेगा सी अल्फा, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, क्या निकालें बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, के ए सी अल्फा इंटू सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा, ठीक है, सी माइनस सी अल्फा। चलो आगे, के ए इज इक्वल टू सी स्केयर अल्फा स्केयर सी वन माइनस अल्फा, क्यों सी मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस अल्फा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा की वैल्यू होगी वेरी स्मॉल, अल्फा की वैल्यू होगी वेरी स्मॉल, तो ये टर्म अल्फा को निग्लेक्ट कर देंगे, टर्म किसके नियरली इक्वल आ जाएगी वन के, यानी कि इस टर्म, ये जो टर्म है, ठीक है, इसको मैं सब्सिट्यूट किससे कर सकता हूं बेटा, वन से, किससे कर सकता हूं वन से, यहां पे वन आ जाएगा, सी से मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो के ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी, क्या बेटा सी, यानी कि सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, फिर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, रूट ऑफ के ए अपॉन सी। यहां से आपको अब क्या क्लियर हो रहा है, यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है, मेरे को तो यहां से एक ही चीज क्लियर हो रही है, क्या, जो अल्फा एंड सी है वो इनवर्सली रिलेटेड है, जो अल्फा एंड सी हैं वो क्या हैं बेटा, इनवर्सली रिलेटेड हैं, यानी कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड रहेगा तो आयन्स कम बनेंगे, सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब कम रहेगी तो जो आयनाइजेशन है वो भी क्या रहेगी बेटा, जो आयनाइजेशन है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी, वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। फर्दर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डल्यूशन कम है, डल्यूशन क्या है बेटा, कम है। अब ये देखो क्या कह रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन एंड डल्यूशन आर इनवर्सली रिलेटेड ना, क्या बेटा, कंसंट्रेशन एंड डल्यूशन आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। डीओडी कब कम है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब अगर आप डल्यूशन बढ़ा दोगे, क्या बढ़ा दोगे बेटा, डल्यूशन बढ़ा दोगे, डल्यूशन बढ़ाने का क्या मतलब है,
डल्यूशन बढ़ाने का क्या मतलब है? कंसेंट्रेशन को आपने कम कर दिया, डल्यूशन बढ़ाने का क्या मतलब है? कंसेंट्रेशन, मान लो आपने डल्यूशन बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी? डल्यूशन बढ़ा दी, ठीक है, तो कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम हो गई ना, कंसेंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। डल्यूशन आपने बढ़ा दी, कंसेंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। कंसेंट्रेशन कम हो गई तो डीओडी क्या कर जाएगी? डीओडी बढ़ जाएगी। डल्यूशन बढ़ा दी, डल्यूशन बढ़ा दी, पानी ज्यादा डाल दिया, सोल्यूशन लेस कंसेंट्रेटेड हो गया, कंसेंट्रेशन कम हो गई, कंसेंट्रेशन कम होगी तो डीओडी बढ़ जाएगी, डीओडी बढ़ जाएगी तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटा? आयनाइजेशन बढ़ जाएगी। और जैसे ही आयनाइजेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, और जैसे ही आयन्स बढ़ेंगे, कंडक्टेंस माना जा सकता है कि बढ़ेगी, कंडक्टेंस माना जा सकता है कि क्या है बेटा? बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट का ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिलेशन से आई है बेटा ये चीज, इसको अच्छे से नोट कर लेना। डल्यूशन बढ़ेगी तो डीओडी बढ़ेगी, डल्यूशन बढ़ेगी तो डीओडी बढ़ेगी। क्या है बेटा? डीओडी बढ़ेगी। जैसे डीओडी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन भी तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डीओडी है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है रे। डीओडी क्या है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। टूटना, किसका टूटना? किसका टूटना? आपके इलेक्ट्रोलाइट का टूटना। किसका टूटना? इलेक्ट्रोलाइट का टूटना। तो आयनाइजेशन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आयनाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन बढ़ जाती है डाइल्यूशन के साथ। किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ आयनाइजेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। लेट अस मूव फर्दर। अब उसमें क्या है? अब देखो आगे, आगे अपन को क्या स्टडी करना है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन on lambda m, lambda eq and kappa, and kappa, ठीक है। हमें लग रहा है कि डल्यूशन बढ़ेगी, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस अभी डिस्कस कर रहा हूं बेटा, मान लो, है ना, ठीक है, ठीक। इसके बाद स्ट्रॉन्ग पे आएंगे, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। डल्यूशन बढ़ने के साथ आयनाइजेशन बढ़ रही है, आयनाइजेशन बढ़ रही है। डल्यूशन बढ़ने के साथ डीओडी बढ़ रही है। डल्यूशन बढ़ने के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है बेटा? डल्यूशन बढ़ने के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या बढ़ रही है? डीओडी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? डीओडी बढ़ रही है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। डल्यूशन बढ़ने के साथ क्या बढ़ रही है? डीओडी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा? डीओडी बढ़ रही है। और जैसे ही डल्यूशन बढ़ने के साथ डीओडी बढ़ रही है, हम मानेंगे कि कंडक्टेंस बढ़ती है। हम मानेंगे क्या है बेटा? कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है। किसके साथ? डल्यूशन के साथ। कंसेंट्रेशन बढ़ने के साथ नहीं, कंसेंट्रेशन कम होने के साथ, ठीक है। तो सिंपली मैं डल्यूशन लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा? डल्यूशन, जिसका मतलब क्या? कंसेंट्रेशन का कम होना, कंसेंट्रेशन का कम होना। डल्यूशन बढ़ने के साथ डीओडी क्या कर रही है बेटा? बढ़ रही है, ठीक है। अब कंडक्टेंस तीन तरह की है। कंडक्टेंस कितने तरह की है बेटा? कंडक्टेंस तीन तरह की है, और कौन कौन से तीन तरह की है वो लिखो। एक तो पास है, अपने पास है लैम्डा एम, ठीक है। एक है लैम्डा ई क्यू, और लास्ट वाली है कप्पा। ये फर्स्ट वाली लगा लो, लास्ट वाली लगा लो, क्या है? कप्पा, ठीक है। लैम्डा एम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा ई क्यू क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लैम्डा ई क्यू क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा क्या है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब इन तीनों का, ठीक है, हम क्या मान रहे हैं? जो आप मान रहे हो, एक बार मैं भी वही मान रहा हूं, क्या, ठीक है, कि जो कंडक्टेंस है, क्या बेटा, जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी? वो जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी बेटा? वो इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। तो मैंने आपका कहा मानना, और मैंने यहां लिख दिया जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, ठीक है। अब तीनों ही कंडक्टेंस है, ये कौन सी कंडक्टेंस है? ये मोलर कंडक्टेंस है। क्या है बेटा? ये मोलर कंडक्टेंस है। अब मैं बात करता हूं लैम्डा ई क्यू की। किसकी बेटा? लैम्डा ई क्यू की। इसके बारे में भी क्या लिखूंगा? ये इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, ये इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, ठीक है। और कप्पा, कप्पा, ठीक है, हमारे माइंड में तो एक ही चीज है, ठीक है, कि कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन। अब इस केस में कप्पा, बेटा ये दिमाग में बात रख लेना, जो कप्पा है ना, ठीक है, कप्पा, कप्पा,
ठीक है, ये डिक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ। अब पूछोगे सर ये क्यों, ये क्यों, ठीक है। तो पहले इस रिलेशन का अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लो ताकि अपन इसको अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है। और इसको स्टार लगा लेना, जो कप्पा है, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, इसको अच्छे से रट देना, कप्पा डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, जैसे मर्जी रटो इसको, इसको अपने माइंड में फ्रेम कर लेना, कप्पा है जो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये डाइल्यूशन के साथ क्यों डिक्रीज करती है, ठीक है। तो होप यहां तक आपने लिख लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा जो भी आपको करना है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा आपको, जो कप्पा है वो डाइल्यूशन के साथ क्या करती है, कप्पा डाइल्यूशन के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। और इसी चीज को मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कप्पा डाइल्यूशन के साथ क्या करती है, इंक्रीज डिक्रीज करती है, क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो अब ये है, ठीक है, इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं, ऊपर पेस्ट कर दूंगा ना, यहां से मैंने कट कर दिया, ऊपर क्या कर दूंगा बेटा, पेस्ट कर दूंगा। क्या, कप्पा डिक्रीज विद डाइल्यूशन, पहले ये बताओ कप्पा क्या है, कप्पा कप्पा है, कप्पा 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 कप्पा, ठीक है, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या, 1 ml सॉल्यूशन। अगर आपके पास एक जग है, क्या है, एक जग है, एक बीकर है, और उसमें वाटर है, उसमें क्या है, वाटर है, और वाटर में आपने इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर रखा है, क्या मिक्स कर रखा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें मिक्स कर रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझने की कोशिश करना, पानी डाला, आयन बढ़ेंगे क्योंकि डीओडी बढ़ेगी, डाइल्यूशन के साथ पानी डालने के साथ आयन बढ़ेंगे, आयन क्यों क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, डीओडी। पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन की, यानी कि 1 ml सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन में से अगर मैं इसकी बात करूं, इतने वॉल्यूम की बात करूं, इतने से वॉल्यूम की बात करूं, तो ये कौन सी कंडक्टेंस है, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये कौन सी इतने से वॉल्यूम की कंडक्टेंस, कौन सी कंडक्टेंस है बेटा जी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड दिस रीजन इज 1 ml, दिस रीजन इज 1 ml, कितना है ये, 1 ml है, कितना है ये, 1 ml है, ठीक है। अब पानी डालोगे, ठीक है, आयन के बीच का जो अट्रैक्शन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच का अट्रैक्शन है, वो कम होगा, कम होगा, तो क्यों कम होगा, क्योंकि वो दूर दूर चले जाएंगे। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन पास पास बैठे हैं, वो तो अट्रैक्ट ही करेंगे ना, वो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जैसे पानी डाला वो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस क्या करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, 1 ml में जो आयन है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो आयन है, वो दूर दूर चले गए, नो डाउट ओवरऑल सॉल्यूशन में आयन्स बड़े हैं, ओवरऑल सॉल्यूशन में आयन बड़े हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ml में जो आयन है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है, क्यों होता है, तो इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना, कप्पा डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज क्यों करता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वैसे नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते ही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम कितने ml की बात करते हैं, 1 ml की बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कितने ml की बात करते हैं, 1 ml की बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, डिक्रीजेस,
एक ml में जो नंबर ऑफ आयन्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं. क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो कप्पा क्या करता है? डिक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ. किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ. ये लाइन एज इट इज दिमाग में बिठा लेना, बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. जो नंबर ऑफ आयन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं. जो नंबर ऑफ आयन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या करते हैं बेटा? वो डिक्रीज करते हैं. इसी वजह से जो कप्पा है वो डिक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ. कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है किसके साथ बेटा? डाइल्यूशन के साथ. किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ. तो अपन आगे चलते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करना? लेट अस सी. ठीक है, तो आगे वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं. वो क्या है? लैम्डा एम एंड लैम्डा ईक्यू पे फर्क. किस पे? लैम्डा एम एंड लैम्डा ईक्यू पे. तो इसका तो क्लियर हो गया. अब किसका अफेक्ट पड़ना है बेटा? लैम्डा एम एम लैम्डा ईक्यू. क्या बेटा? लैम्डा ईक्यू. ठीक है, लैम्डा एम और कप्पा का रिलेशन याद है? किसका? कप्पा का. कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन एम. एंड हियर व्हाट ओवर हियर इज कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन एन. क्या बेटा? एन. ये किसका सब्स्टिट्यूट था अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो? ये किसका सब्स्टिट्यूट था? याद है? अगर जिसको नहीं याद, दोबारा नहीं बताने वाला, पीछे वाला वीडियो देख लेना, इससे जस्ट बैक वाला वीडियो देख लेना. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है बेटा वॉल्यूम का. किसका? तो कप्पा. ये किसका सब्स्टिट्यूट है बेटा? वॉल्यूम का. ये किसका सब्स्टिट्यूट है? वॉल्यूम का. ठीक है, अब लैम्डा एम पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कप्पा तो हमने अभी देख लिया. कप्पा डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन. कप्पा डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन के साथ कप्पा तो डिक्रीज करता है. कप्पा तो क्या करता है? डिक्रीज करता है. और वॉल्यूम क्या करता है? सबको पता, पागल को पता, पानी ज्यादा डालोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही. वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, तो सबको पता वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा वॉल्यूम. ये टर्म डिक्रीज कर रही है, ये टर्म क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाली कप्पा टर्म डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम टर्म इंक्रीज कर रही है. ठीक है, तो लैम्डा एम पे क्या फर्क पड़ेगा और लैम्डा ईक्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? ये डिक्रीज और ये इंक्रीज कर रही है, तो ये कॉन्स्टेंट आ जाना चाहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, बट ये कितना डिक्रीज कर रही है और ये कितना इंक्रीज कर रही है, प्रैक्टिकली ये देखा गया जो वॉल्यूम का इंक्रीज है, एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है. क्या? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है. वॉल्यूम इंक्रीजेज मैनी फोल्ड इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन कप्पा. डिक्रीज इन कप्पा. मेरी बात समझ रहे हो? जो वॉल्यूम का इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा इस कंपेयर टू डिक्रीज इन दिस. ठीक है, मान लो अगर ये एक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक स्टेप से इंक्रीज कर रहा है, तो ये सात या आठ स्टेप से इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो नेट डोमिनेटिंग टर्म किसकी है? वॉल्यूम की. ठीक है, अगर ये आपको पीछे की ओर खींच रहा है, ये आपको आगे को लेके जा रहा है, ये आपको डीमोटिवेट कर रहा है, ये आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन इसकी मोटिवेशन पावर ज्यादा है इसकी डीमोटिवेटिंग पावर से, तो आप तो मोटिवेट ही होगे ना. आप तो क्या होगे? मोटिवेट ही होगे. ठीक है, depends on the magnitude of the motivation or demotivation. ये increase कर रहा है conduction उसको. ठीक है, conduction को increase करवाने की कोशिश कर रहा है, ये decrease करवाने की कोशिश कर रहा है. But experimentally क्या देखा गया कि volume है manifold increase करता है as compared to कप्पा, एज कम्पेयर टू कप्पा. ठीक है, तो वॉल्यूम अगर मैनीफोल्ड इंक्रीज करता है तो लैम्डा एम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. और लैम्डा ईक्यू सेम इज ओवर हियर, लैम्डा ईक्यू भी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा. क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये था केस किसका बेटा? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था. किसका केस था? वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था. ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस पहले मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे हल्का सा. ठीक है, और उसके बाद ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, वहां से कुछ और वीक के लिए दोबारा भी आना है. ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इसको मैंने, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसको मैंने एक बॉक्स बना के साइड पे कट पेस्ट कर देना है. ये मैंने एक बॉक्स बना दिया. ठीक है, और इस बॉक्स में मैंने क्या लिख दिया? लैम्डा एम
लैम्डा इक्यू एंड कप्पा, एंड क्या बेटा कप्पा, ठीक है। अब डल्यूशन के साथ, डल्यूशन के साथ, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, और ये क्या करता है डिक्रीज करता है, ये क्या करता है डिक्रीज करता है, ठीक है। अब मैं केस ले रहा हूं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन को ये रिजल्ट्स मिले, कंडक्टेंस बढ़ती है, पहले दो ही देख लो बस, कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है, क्या है बेटा मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करती है, बढ़ती है, क्या करती है बेटा बढ़ती है, प्रैक्टिकली हम ज्यादातर जब भी बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की करते हैं, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करती है बेटा बढ़ती है, ठीक है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो क्यों बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयनाइजेशन बढ़ती है। अब ये देखो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की जो डीओडी है वो तो, यानी कि अल्फा, वो तो ऑलरेडी 100% है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डीओडी वो क्या है बेटा, ऑलरेडी 100% है, ठीक है। तो इस केस में आयनाइजेशन तो नहीं बढ़ेगी, आयनाइजेशन कहां से बढ़ जाएगी, अल्फा कहां से बढ़ जाएगा, जो पहले पूरा टूट गया उसका क्या क्या कर लोगे अब, जो उसके पहले गर्दन सिर मुंह सब कुछ अलग हुआ पड़ा है, ठीक है, उसका क्या बनाओगे अब, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन तो नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि इसने तो जितने आयन बनाने ये थे बना लिए, जितने आयन बना लेते बना लिए, यानी कि इसकी कंडक्टेंस तो जितनी है उतनी ही रहेगी, डल्यूशन के साथ इसकी कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डल्यूशन के साथ इसकी कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, इसकी कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कोई फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरे आयन्स बने हुए हैं, जितने आयन चाहिए थे मैक्सिमम है, और तो आयन बनेंगे इतनी, और तो आयन बनेंगे नहीं, और तो आयन बनेंगे नहीं, तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, अब एक चीज क्या है बेटा अपने दिमाग में बिठा लेना, वो क्या है बेटा जी, बेटा जी एक होता है आयन्स का बनना और दूसरा होता है आयन्स का मूव करना, एक होता है आयन्स का बनना और दूसरा क्या होता है आयन्स का मूव करना, आयन्स का क्या करना, मूव करना। आपके पास बहुत आयन्स हैं, बहुत ज्यादा आयन्स हैं, ठीक है, वो चल ही नहीं रहे, मूवमेंट ऑफ चार्ज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना, कंडक्टेंस क्या करेगी, मूवमेंट ऑफ चार्ज अब चल क्यों नहीं रहे, ठीक है। ये देखो मेरे पास एक सोल्यूशन में, मेरे पास NaCl का सोल्यूशन है, मेरे पास किसका सोल्यूशन है, NaCl का सोल्यूशन है, जिसमें कौन कौन से आयन है सबको पता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है। मान लो मैंने दो प्लेट्स लगा दी, एक प्लेट नेगेटिव प्लेट है, दूसरी प्लेट क्या पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और जो ये सी एल नेगेटिव आयन्स हैं इनका क्या मैं करता हूँ, इनको मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ, किससे शो कर देता हूँ बेटा, ग्रीन से शो कर देता हूँ। अब सी एल नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहेगा, सोडियम किसकी तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सी एल नेगेटिव लगा दिया, क्या लगा दिया, Cl नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब Cl नेगेटिव को सराउंड कर रखा है क्योंकि भरा हुआ है, टूटे जितना था सारा टूट गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, भर रखा है, किससे भर रखा है, ये देखो बेटा सोडियम एंड क्लोराइड से, और इसको सोडियम आयन्स ने सराउंड कर लिया, पिंक से बनाना था सॉरी बेटा, ठीक है बना दिया, ठीक है। ये यहां जाना चाहता है यहां से बाहर, इसको वापस खींच रहे हैं, इसको क्या वापस कहां जा रहा है, इसको सराउंड कर लिया, जाना चाहते तो इसको जाने नहीं दे रहे, जाना चाहते तो इसको क्या है बेटा जाने नहीं दे रहे, ठीक है। अगर मूव कर भी गए, मूव कर भी गए तो पॉजिटिव चार्ज पीछे से खींचेगा, जिसको ड्रैग लगाना बोलते हैं, सोल्यूशन में ड्रैग लगती है ना, फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो चार्ज ये फ्रिक्शन लगा रहा है, जो नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज फ्रिक्शन लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव, उसको वापस खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो आयनिक मोबिलिटी है, जिसकी वजह से जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है विस्कस ड्रैग की वजह से, ठीक है, या विस्कस ड्रैग बोल सकते हो, या अपन मेनली क्या है बेटा, इंटर आयनिक फोर्सेस हैं ये, इंटर आयनिक फोर्सेस, इंटर आयनिक फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है,
इंटर आयनिक फोर्सेस की वजह से मोबिलिटी क्या है डिक्रीज कर जाती है, और इंटर आयनिक फोर्सेस कौन सी, अट्रैक्शन की, कौन सी बेटा, अट्रैक्शन की। इंटर आयनिक फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो मोबिलिटी है वो क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है। मोबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो मूवमेंट कम है, ठीक है। और ये कौन सी फोर्सेज, इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके टूट गया, लेकिन अट्रैक्शन इतनी ज्यादा कि वो पास पास पड़े हुए हैं, पास पास क्या बेटा, पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या बेटा, वो मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसका मोरल ऑफ स्टोरी क्या है बेटा, ध्यान देना इधर, जो आपका इंटर आयनिक फोर्सेस है कौन सी ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस ही होंगे ये तो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती हैं। वो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ क्या होता है बेटा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डाइल्यूशन के साथ आयंस के बीच में क्या बढ़ता है बेटा, डिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से ये जो अट्रैक्शन है, ये जो क्या है बेटा, अट्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मोबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस, पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है बेटा, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या करेगी बेटा, वो करेगी मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो क्या करेगी बेटा, वो अपनी इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कप्पा तो डिक्रीज ही करता है, क्या करता है बेटा, कप्पा तो डिक्रीज ही करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है बेटा, ये स्टडी किया साइंटिस्ट ने, किसने, कौन से साइंटिस्ट ने, तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने स्टडी किया कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो, ठीक है बेटा, जहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इन साइंटिस्ट का नाम पक्का है, इसका तो पक्का ही पक्का है, ठीक है, एक डिबाई, एक हक्कल, ठीक है, एंड तीसरा है ओनसागर। तीसरा कौन सा है बेटा, ओनसागर। डिबाई, हक्कल एंड ओनसागर ने एक चीज स्टडी की, वो क्या था बेटा, लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप। किसका बेटा, लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा है लैम्डा एम उतना कम होगा, लैम्डा एम उतना कम होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, यहां लिख दिए दे रहा हूं, ठीक है, किसका केस है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, ठीक है। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी लैम्डा एम उतना क्या होगा बेटा, कम होगा। लैम्डा एम उतना क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी लैम्डा एम उतना क्या होगा, कम होगा। और कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी लैम्डा, और कंसंट्रेशन जितनी कम होगी लैम्डा एम उतना क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लैम्डा एम उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन जितनी कम होगी लैम्डा एम उतना क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लैम्डा एम उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या बेटा, डाइल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन स्टडी करके अपने सामने आई, ठीक है, और वो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी, ए रूट सी। और इस इक्वेशन को अपन कौन सी इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इस इक्वेशन को अपन जानते हैं बेटा कौन सी इक्वेशन के नाम से, डिबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, डिबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, डिबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, ठीक है। हर एक टर्म क्लियर करवाता हूं बेटा, ठीक है, यहां पे एम ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ठीक है। पहले इससे ग्राफ प्लॉट कर लें, ठीक है, जैसे ही अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे थिंग्स विल बी मोर क्लियर, कैसे, ठीक है। ये देखो, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स,
ठीक है। अब कहोगे सर हर चैप्टर में यही इक्वेशन लगाते हो, केमिस्ट्री में एक इक्वेशन लगानी है, कोई पैराबोला की इक्वेशन लगानी नहीं अपन को, ये तो अच्छा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सबसे बेस्ट है, ठीक है। सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ज्यादा इसको स्टडी करें, ठीक है, बनाएं कैसे। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके और किसके बीच में, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, एक्सिस, ओहो एक्सिस, एक्सिस पे आ रहा है रूट ऑफ सी, क्या आ रहा है रूट ऑफ सी। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, लेमडम। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, लेमडम, ठीक है। इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ रहा है, इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ रहा है, लेमडा नॉट एम के। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव। स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव। यहां पे क्या आ रहा है, लेमडा नॉट एम। यहां पे क्या आ रहा है बेटा, लेमडा नॉट एम, और स्लोप क्या आ गई बेटा, नेगेटिव, ठीक है। इस स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है। ए क्या है, ए स्लोप है जिसके हायर लेवल पे आके बहुत टर्म्स इंक्लूड हो जाती हैं, सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अटरम पटरम बहुत कुछ, आपको इतना ही याद रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ऑफ सी है, यहाँ पे लेमडा एम है, यहाँ पे लेमडा नॉट एम है, और स्लोप क्या है, नेगेटिव। यानी कि ऐसी क्वेश्चन आएगी, तो ऐसी ही आनी चाहिए ना, कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, लेमडा एम कम हो रहा है। कंसेंट्रेशन इस साइड बढ़ रही है ना, इस साइड कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो लैम्डा एम कम हो रहा है। लैम्डा एम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डाइल्यूशन इस साइड बढ़ेगी, कंसेंट्रेशन इस साइड बढ़ेगी, तो डाइल्यूशन इस साइड बढ़ेगी। इस साइड डाइल्यूशन बढ़ रही है, तो लैम्डा एम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लैम्डा। ये तो मैंने बताया, डाइल्यूशन बढ़ने के साथ लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है, और कंसेंट्रेशन बढ़ने के साथ लैम्डा एम डिक्रीज होता है। कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, लैम्डा एम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट ये क्या है, लैम्डा नॉट एम, ये क्या है, लैम्डा नॉट एम। कौन सा बेटा, लैम्डा नॉट एम। अब मैंने आपको स्टडी करवाना है कौन सा एम बेटा, लैम्डा नॉट एम। अब ये लैम्डा नॉट एम क्या है, लैम्डा नॉट एम है बेटा मैक्सिमम कंडक्टेंस। लैम्डा नॉट एम, और इसको कई बार लैम्डा इनफाइनाइट एम भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है बेटा, लैम्डा इनफाइनाइट एम, ठीक है। ये क्या है, ठीक है बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप कंडक्टेंस को स्टडी करोगे, करोगे ना, ठीक है, कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट में आपने वाटर डाला और उसकी कंडक्टेंस को स्टडी की, एंड यू फाइंड की कंडक्टेंस इंक्रीज कर गई, क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। विद द टाइम आप क्या कर रहे हो, आप उसमें एडिशन करे जा रहे हो वाटर का एडिशन करे जा रहे हो। एक ऐसा टाइम आएगा ना जहां पे आपको मैक्सिमम कंडक्टेंस मिलेगी, ठीक है। अब ये तो नहीं कि एक चुटकी नमक लेके, ठीक है, ये कह दो कि एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो बाबू, हम तो पूरा भारत ही बत्ती जला देंगे उसकी, ये तो पॉसिबल नहीं है। NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि एक गिलास पानी लिया और एक ट्रक पानी ले लिया, एक चम्मच नमक ले लिया, ठीक है, भी नमक में पानी डालते रहो, ठीक है, तो हम तो जी ये सूर्य भगवान को भी फेल कर देंगे, इतनी कंडक्टेंस कर लेंगे, ठीक है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अपनी, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले स्ट्रांग है, क्या बेटा, पहले स्ट्रांग है, ठीक है, तो बहुत शार्प इंक्रीज नहीं होता डाइल्यूशन के साथ, ठीक है, धीरे धीरे करके इंक्रीज करती है इसकी कंडक्टेंस। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा पानी डालो बहुत ज्यादा कंडक्टेंस इंक्रीज कर गई, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये तो पहले ही मैक्सिमम दे रहा है, थोड़ी थोड़ी करके इसकी कंडक्टेंस बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी करके इसकी कंडक्टेंस बढ़ती है, और एक टाइम जब ऐसा आता है कि अपनी मैक्सिमम कंडक्टेंस शो कर देता है, क्या बेटा, मैक्सिमम कंडक्टेंस शो कर देता है, और उस मैक्सिमम कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इनफाइनाइट एम, ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये टर्म कईयों को कंफ्यूज कर देती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, कई सोचते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है, ठीक है, एक चम्मच आप नमक ले लो और उसमें ट्रक भर के पानी डाल दो, ना, ये नहीं करना आपने, ठीक है, धीरे धीरे करके हम जब स्टडी करते हैं, बड़े सहजता से स्टडी करते हैं ना, ठीक है, उसमें धीरे धीरे करके अपन वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जिसके बाद सेचुरेशन अटेन हो जाएगा, जिसके बाद कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मान लो आपके पास 2 मोल NaCl के थे, 1 मोल NaCl का था, उसमें आपने पहले आधा जग पानी डाला, फिर थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉपर लेके पानी डालने लग गए, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको
मैक्सिमम मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम 20 से ज्यादा कंडक्टेंस नहीं मिल सकती. इसका मतलब ये थोड़ी है आपने पहले स्टडी करना है, ठीक है, पानी डाला कंडक्टेंस बढ़ गई, अब ये करो अरे भाई वो कैंपर वाले को बुलाना, टैंकर वाले को बुलाना, पानी डाल लेना. आपने धीरे धीरे करके डाला, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पे आपको मैक्सिमम मिल जाएगी, उसके बाद बढ़ेगी नहीं, उसके बाद बढ़ेगी नहीं. ठीक है, जरूरी नहीं कि वो एक टैंकर हो, जरूरी नहीं कि वो एक कैंपर हो, ठीक है, वो एक जगह भी हो सकता है, वो एक जगह भी हो सकता है. इनफाइनाइट का मतलब वो मत समझ लेना कि समुंदर ही डालना है बीच में, ना, इनफाइनाइट का मतलब है मैक्सिमम, इतना इतनी मैक्सिमम कंडक्टेंस हो सकती है इस डाइल्यूशन पे पर्टिकुलर पे. ठीक है, वो कौन सी डाइल्यूशन है बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन है. कौन सी डाइल्यूशन है? वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर conductivity at infinite dilution, ये कहलाती है lambda not m या lambda infinite m. तो ये calculate कहाँ से होगी? ये कैलकुलेट कहाँ से होगी? ठीक है, आपको डाटा दिया जाएगा, आपको डाटा दिया जाएगा, उस डाटा से आप एक ग्राफ प्लॉट कर लोगे, और वो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस बता रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना. मैंने अभी तक जो रेफरेंस दिया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दिया, वीक का नहीं दिया, वीक का नहीं दिया. ठीक है, आपके पास एक डाटा दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा बेटा? डाटा दिया जाएगा, ठीक है, रूट ऑफ सी एंड लैम्डा एम के बीच में. उस डाटा से आप ग्राफ प्लॉट करोगे और उस ग्राफ की जो इंटरसेप्ट आएगी वो मैक्सिमम कंडक्टेंस रहेगी. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? बताओ, ग्राफ के इंटरसेप्ट से. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ग्राफ के इंटरसेप्ट से फाइंड होती है, ग्राफ के इंटरसेप्ट से फाइंड होती है. ठीक है, तो यहां पे मोरल ऑफ द स्टोरी लिख लो. क्या लिख लो बेटा? मोरल ऑफ स्टोरी लिख लो. और मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? वो मोरल ऑफ स्टोरी ये है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ जो डिबाई हक्कल ऑनसागर की इक्वेशन का है. कहां से? डिबाई हक्कल ऑनसागर की इक्वेशन का है. दोबारा बनाऊं तो ये आएगा, यहां से मिल जाएगी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. क्या? मैक्सिमम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी बात करूं बेटा? अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की. ध्यान से समझिएगा जरा, अब मैं बात किसकी करने जा रहा हूं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की. तो मेरे पास अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है बेटा? वीक है. कौन सा है मेरे पास जो अब इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा? ये अंदर चला गया, वीक है. एक्सपेरिमेंटली जब स्टडी किया डेल्टा सी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की खास बात यह है इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाती है, पर 100% डिसोसिएशन नहीं होता, 100% डिसोसिएशन नहीं होता. और जो सब्सटेंस 100% डिसोसिएट ही ना हो उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे? उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कंडक्टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे? जो टूटा ही पूरा नहीं, जिसके आयन से पता नहीं कितने बनने हैं कितने नहीं बनने, भगवान जाने कितने आयन बनेंगे कितने नहीं बनेंगे. ठीक है, तो इसके लिए लैम्डा एम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करें, ठीक है, तो जैसे ही कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? कम होती है, और जो मोलर कंडक्टेंस है वो उसमें बेटा शार्प इंक्रीज देखा जाता है. उसमें क्या दिखता है? शार्प इंक्रीज दिखता है. ठीक है, और कुछ टाइम बाद, ठीक है, ये जो प्लॉट है ये आपका पैरेलल हो जाता है. ये क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है. जैसे ये प्लॉट पैरेलल होगा, पता नहीं भगवान जाने कहां जाके मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता, नहीं मिलने वाला ये. ठीक है, इसको एक्सट्रापोलेट करोगे, उस ग्राफ को आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हो. ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को आप क्या कर सकते हो बेटा? एक्सट्रापोलेट कर सकते हो. जो आपका कौन सा आया था? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको आप कर लो एक्सट्रापोलेट. ठीक है, कर लोगे तो पता नहीं कहां जाके मिलेगा, ये मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लगे रहो इनफाइनाइट तक. ठीक है, आपको भी पता है क्या होने वाला है. ठीक है, तो ये ग्राफ तो मिलेगा नहीं, ग्राफ मिलेगा नहीं तो मैक्सिमम कंडक्टेंस कहां से मिलेगी? ठीक है, ये शार्प इंक्रीज क्यों है? पहले तो ये देखो, ये शार्प इंक्रीज इस वजह से है क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है
ठीक है, डाइल्यूशन के साथ, किसके साथ है? डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन के साथ उसकी क्या बढ़ती है बेटा, डाइल्यूशन के साथ उसकी डीओडी बढ़ती है, डीओडी बढ़ेगी तो लैम्डा एम भी बढ़ेगा, लैम्डा इक्यू भी बढ़ेगा, क्या बेटा, लैम्डा इक्यू भी बढ़ेगा, बट लैम्डा इनफाइनाइट एम या लैम्डा नॉट एम हम कैसे फाइंड आउट करें? मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें? लैम्डा इनफाइनाइट एम एंड लैम्डा नॉट एम, इस ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट एम एंड लैम्डा नॉट एम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ग्राफ ऐसा था, यहां से इंटरसेप्ट ली, ठीक है, और हमने फाइंड आउट कर लिया इंटरसेप्ट से क्या, मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट ये भी तो आपके सामने ग्राफ है, तो फाइंड आउट करके दिखाओ ना, क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा एम, लैम्डा नॉट एम कहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेट नहीं की जा सकती, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, मैक्सिमम कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या मैक्सिमम पानी जितना मर्जी डालते रहो, जो मर्जी करते रहो, मैक्सिमम कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकली कैलकुलेट, मैक्सिमम का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट एम, ठीक है, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते ग्राफिकली, मैंने ये आपको मूल मंत्र दे दिया, ये कतई संभव नहीं है, ठीक है, इसकी संभावना है ही नहीं, ठीक है, तो ग्राफिकली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।